अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भगवान किसी को मिलते कैसे हैं? क्या इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं। महाराज मनु ने राजपाट त्याग दिया, वन को चले गए। वहां सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। शबरी के मन में अथाह प्रीति थी, उसने लंबी प्रतीक्षा रूपी साधना की, तब जाकर प्रभु मिले। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु के श्री चरणों में निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। हे चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं?
लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तारानी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में ना डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन दूसरा मेरा कोई लो। अब चले? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ?